तो कहता चलो निकलो बाहर। मैंने उसका नंबर भी नाम भी पढ़ा है। मुझे वो धक्के दे के बाहर निकालता है। इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी आएगा कि उधर भी यही सलूक होगा। ऐसे आपने पंजाब पुलिस को कर दिया है, कुछ तरह की बंदूक से निकली हुई गोली है कि वो वापस नहीं आ सकती। आपको पता है कि उस दिन क्या हुआ? आपको पता 200 पुलिस वालों ने आके क्या बदतमीजी की? जनाब स्पीकर, मुझे शायद जो हुकूमती वजीर है उनकी तरह मैं भी नालायक हूंगा। आप हमेशा सबको गाइड करते हैं, मुझे भी गाइड कर दे कि एक बैठा हुआ शख्स, आप उसको कहें बी सीटेड, फिर वो बैठा हुआ कहे कि मैं सर बैठा हुआ हूँ, फिर आप कहें बी सीटेड, फिर वो तीसरी दफा आप कहें जी बैठा हुआ शख्स, वीडियो निकलवाए आप एक बैठे हुए शख्स को तीन दफा बी सीटेड कह रहे हैं, तो मैं बैठ गया। चले आप हुकूमती अरकान आए, लेकिन मुझे ये गाइड जरूर कर दें एक कि बी सीटेड इंसान को अगर बी सीटेड कहा जाए तो उसको क्या करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात सर, 119 के दफ्तर में मैं बजाते खुद और मेरे साथ एक और एमपीए बैठा हुआ है। पुलिस की 200 लोगों की नफरी आती है, दरवाजे को अंदर बंद कर लेती है और अंदर मारना पीटना शुरू कर देती है। और जब मैं उनसे पूछता हूं तो मुझे कहा तुम कौन हो, तो मैं कहता हूं मैं एमपीए हूं, तो कहता चलो निकलो बाहर। मैंने उसका नंबर भी नाम भी पढ़ा है। मुझे वो धक्के दे के बाहर निकालता है और मैं आपके किस्म से कि वो एक एमपीए को निकाल रहा है, वो इस हाउस के एक मेंबर को बाहर निकाल रहा है। और ये अगर हाउस खामोश रहा तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी आएगा कि उधर भी यही सलूक होगा। ऐसे आपने पंजाब पुलिस को कर दिया है, कुछ तरह की बंदूक से निकली हुई गोली है कि वो वापस नहीं आ सकती। वो किसी का लिहाज नहीं करती, किसी एमपीए का लिहाज नहीं करती, किसी के चादर चार दीवारी के तहफ्फुज़ का ख्याल नहीं करती। और आप फिर हमें कहते हैं कि हम खामोश रहे। आपको पता है कि उस दिन क्या हुआ? आपको पता है 200 पुलिस वालों ने आके क्या बदतमीजी की आपके दो एमपीए के साथ? और वो आके कंप्लेन भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते यहाँ पे आके। जनाब अली, जनाब अली, ये जो हमारे आपके दरमियान हुआ कोई बात नहीं, ये एक हमारा रिलेशनशिप है। आप अच्छी हमारी कुर्सी में बैठे, हम आपकी कुर्सी की इज्जत करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं जनाब स्पीकर कह के, जनाब स्पीकर कह के, जनाब स्पीकर, आप हमारे बड़े हैं, कुछ भी कह लेंगे तो हम फिर भी गुजर कर जाएंगे। लेकिन एक बात है, मैं भी अब मेरी भी बात है ना सर, मेरी बात अब मेरा मसला टाइम है, सर आखिरी बात सर, मैंने कहा कि आपकी मेरी जो हुई उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो बाहर पुलिस एमएनए एमपीएस के साथ कर रही है उसको मत दरगुजर करें। अच्छा आप तशरीफ रखिए, मैं आपका मसला हल करता हूँ।